हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने रिसेंटली एक जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी की है, जिसकी लास्ट डेट 1 अक्टूबर रखी गई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट जैसी जॉब्स को नोटिफाई किया गया है। इसी के चलते आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेबस जो रिसेंटली जेके हाई कोर्ट ने, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने जो है रिलीज़ किया है 19/9/2024 को। मगर इन डिटेल सिलेबस ऑफ जूनियर असिस्टेंट को डिस्कस करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरह के जॉब रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें और जो है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर भी आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको जानकारी भरा लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, लास्ट पे से लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सचर ए, और एनेक्सचर ए के अंदर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट श्रीनगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस सेक्रेटरेट क्राइटेरिया एंड सिलेबाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द फॉलोइंग क्राइटेरिया सिलेबाई मे बी फिक्स्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट, जो नोटिफाई किया है 6/24 और डेटेड 28/8/24। तो यहाँ पे हमारा आज का जो फोकस है वो कम्प्लीटली रहने वाला है जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों पे, और बाकी के सिलेबसेस स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट क्या टेस्ट स्ट्रक्चर रहने वाला है। टेस्ट का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है पॉइंट ए, द टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 80 मार्क्स। तो ये याद रखें, 80 मार्क्स का आपका MCQ का टेस्ट होगा, और इंटरव्यू में आपको 20 मार्क्स रखे हैं, जो कि आपको टोटल बन जाता है 100 मार्क्स, और इंटरव्यू और जो है एग्जामिनेशन को मिलाकर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन जो है 80 मिनट का होगा, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, और आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और ईच क्वेश्चन विल कंटेन मल्टीपल चॉइसेस होंगी, और उनमें से एक, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। जिस तरह से JKSSB के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये कम्प्लीटली आपको ऑफिशियली JK हाई कोर्ट ने बता दिया है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखें तो देयर मे बी नो कट ऑफ पॉइंट और पास मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, इनस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन रेशियो ऑफ 5:1, 5:1, मतलब कि अगर एक पोस्ट है तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अगर 2 पोस्ट हैं तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टोटल पोस्टों को मिलाएं तो 5:1 के हिसाब से आप टोटल पोस्टों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो फिगर आ जाएगा, एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट ऑब्टेंड इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी क्लियर है कि आपको ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। अब सिलेबस फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर शैल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स विद ब्रेकअप ऑफ मार्क्स गिवन अगेंस्ट ईच पार्ट। जनरल इंग्लिश आपको 30 नंबर की होगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स स्पेशली यहाँ पे 25 नंबर का होगा,
बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर 15 नंबर की होगी, और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो हाई कोर्ट के रिलेटेड आपको या कोर्ट्स के रिलेटेड अवेयरनेस कितनी है वो 10 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। तो आपने टोटल देखा 30 और 25 कितना हो गया यहाँ पे 55, और 5 और 10 कितना हो गया यहाँ पे 70, और 10 80 नंबर टोटल बन जाते हैं। यहाँ पे इन डिटेल अगर सिलेबस को इन्होंने फिर से आपके सामने रखा है, द सिलेबस फॉर ईच पार्ट इज़ गिवन एज बिलो, एक्सपेंशन ऑफ सिलेबस में दिखाया गया है। जनरल इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की अवेयरनेस होनी चाहिए कैंडिडेट को, इंक्लूडिंग ग्रामर विद स्पेशल फोकस ऑन आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड पंक्चुएशन, एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, डेट्स, पीपल, idioms and phrases etc. मतलब ये आपको complete English का syllabus यहाँ पर दिया गया है part 1 में, और part 2 के अंदर general knowledge, this part may comprise of questions relating to current affairs आपको तैयार करना है। आप सब जानते ही हैं, पढ़ते भी होंगे एक साल का, तो nearly current affair आपको पता होना चाहिए। part 3 में computer है, this part may comprise क्वेश्चन रिलेटिंग टू द नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, और इसके बाद पार्ट 4 में कोर्ट रिलेटेड, दिस पार्ट में कंप्राइज जॉब रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूडिंग द टर्मिनोलॉजीज जनरली यूज इन द ऑफिशियल कोर्ट वर्क एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, और यहाँ पर ये कम्प्लीट आपका सिलेबस हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेनो का सिलेबस भी आप देख सकते हैं, और इसी तरह से आप सिस्टम ऑफिसर का सिलेबस देख सकते हैं, सिस्टम असिस्टेंट का सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिलेबसेस आपके सामने हैं, स्क्रीन पर है। इन डिटेल मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी आपके साथ डिस्कस किया है जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इस सिलेबस के बेसिस पे और बाकी भी मैं कोशिश करूंगा, फ़िलहाल फोकस हमारा जूनियर असिस्टेंट है। इस सिलेबस के बेसिस पे हम जल्दी ही आपके सामने इसी सिलेबस पर टिपिकली ऑफिशियली एक एक टॉपिक को लेकर हम आपके साथ एक ई बुक शेयर करने वाले हैं, बहुत ही सस्ते दामों में, जो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आपके पास वो जल्दी ही वीडियो की शक्ल में मैं लेकर आऊँगा वो अनाउंसमेंट। ये बुक हम तैयार कर रहे हैं, कुछ टाइम लगने वाला है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के ऑफिशियल सिलेबस के बेस पे एक ई बुक लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको इंग्लिश, यहाँ पे आपको मैं अच्छे से बता दूँ, जिसमें आपको इंग्लिश के सभी टॉपिक, यहाँ तक ये जो यहाँ से आप देखें यहाँ तक सभी टॉपिक्स पर हम इन डिटेल जो है वो बुक बना रहे हैं, विद एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ MCQs विद आंसर्स, और इसी तरह से जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वाला भी पार्ट आएगा, कंप्यूटर वाला भी पार्ट आएगा, और कोर्ट रिलेटेड सारा का सारा टर्मिनोलॉजीज एंड ऑफिशियल कोर्ट वर्क के रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन, सभी जो है टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करूँगा, सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करूँगा, जिस तरह से मैंने पटवारी की बहुत ही सस्ते दामों में किताब लॉन्च की थी 2 साल पहले, काफ़ी प्यार उससे मिला, उसी के चलते आज हम जूनियर असिस्टेंट की भी किताब ई बुक जो है वो जल्दी ही अपने चैनल पर लॉन्च करने वाले हैं। आप बने रहिएगा उन तमाम अपडेट्स के लिए आगे भी इस चैनल के साथ। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा हमारी ई बुक आने का बाज़ार की किताबों से पहले। सस्ती भी होगी, अच्छी भी होगी, कंटेंट कैसा होगा ये आप खुद फीडबैक में बताओगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको सस्ते दामों में बहुत ही बढ़िया और बल्क में टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल हों, बल्क में आपको MCQs अवेलेबल हों, बल्क में आपको आंसर्स भी अवेलेबल हों। कोई भी किताब की श्योर शॉट गारंटी नहीं होती कि उससे वो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, लेकिन इतना तो है कि किसी हद तक जो अपना एक्सपीरियंस है, JKSSB का हमारा क्रैक जो हमने एग्ज़ाम किए हैं, इंटरव्यूज़ भी बहुत पहले दिए हैं, आज जॉब भी कर रहे हैं, उसी के चलते हम ये वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और किताब को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये सिलेबस के बेसिस पे कुछ इसमें है भी मटेरियल या नहीं, वो आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप इंतज़ार कीजिए हमारा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जूनियर असिस्टेंट की ई बुक की,
के लिए जो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपको वहाँ पे भी आगे आने वाले अपडेट्स में काम आए। और ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।